तो पैथन की हमारी क्लास में, हमारी ये सेकेंड क्लास है, और हमने पहले क्लास में पैथन को इंस्टॉल करना, पैथन पे किस तरह से हम प्रोग्रामिंग करेंगे इसके बारे में बात किए थे। साथ में पैथन के अंदर हमने बात की थी कि किस तरीके से हम इनपुट आउट डिवाइस वगैरह यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे पैथन के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बारे में, साथ में पैथन में जो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है उनके बारे में, मतलब जो हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं और डेटा टाइप्स के बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम यहाँ पे वीएस कोड ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो, और यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं न्यू पे जाके, और इसका नाम हम लिखते हैं सेकेंड डॉट पी वाई, एंटर प्रेस करते हैं सेकेंड को। मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे 10 प्लस 20। अब 10 प्लस 20 का रिजल्ट जो 30 है वो स्टोर कहाँ हो, क्योंकि पैथन ही नहीं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी सिस्टम के अंदर कुछ भी करने के लिए आपको एक लोकेशन चाहिए, एक स्टोरेज चाहिए कि ये 30 लोड कहाँ हो। तो इसको हम लोग वेरिएबल पे यूज करते हैं। यहां पे लिखते हैं कि सी इक्वल टू 10 प्लस 30। तो जो 30 प्लस 10 जो हुआ, 40 जो हुआ, वो 40 स्टोर कहाँ पे हुआ, तो 40 स्टोर हुआ हमारा सी पर। कल के डेट में मुझे इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट, और यहाँ पे हम सिंपल सी कर देंगे, चाहे यहाँ पे इन्वर्टर में लिख दीजिए कि द सम इज इक्वल, और यहाँ पे कॉमा हम सी कर देते। अब रन करेंगे, तो रन करते ही यहाँ देखिए यहाँ पे दिख गया रिजल्ट कि द सम इज 40। अब यहाँ पे हम और कुछ क्या कर सकते हैं, चलिए उसके ऊपर हम भी डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू हमने लिखा 30। फिर हम सी इक्वल टू यहाँ पे ए प्लस बी करते हैं, और फिर यहाँ प्रिंट में देते हैं कि प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे कि द। अब यहाँ पे हमें लिखना है कॉमा ए कॉमा प्लस कॉमा बी कॉमा इक्वल, फिर कॉमा हम देंगे सी। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कॉनकेट हो रहा है, यहाँ पे द स्पेस आएगा, ए की वैल्यू 10 आएगी, मतलब कि इस तरह से होगा 10 आएगा, फिर बी की वैल्यू 30 आएगी, फिर इक्वल आएगा, फिर सी आएगा। तो इस तरह से कॉमा कॉमा करके लिख सकते हैं। अगर आपकी अपनी टेस्ट है तो आप अपना लिख सकते हैं, अगर किसी वेरिएबल से कॉल करना है तो उस वेरिएबल का लिंक दे सकते हैं। अब इसको एक बार रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे द 30, द हमने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ द आ गया, और ए जो है 10 से उठा लिया, और बी प्लस का साइन फिर इन्वर्टर कॉमा में था दे लिया हमने, फिर बी जो है वो बी से वो 30 उठा लिया यहाँ पे, और फिर सी इक्वल हमने दिया इक्वल आ गया, और सी से 40 उठा लिया। तो यहाँ पे हम ए बी सी इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम यहां मान लीजिए कि डी इक्वल टू हम लिख देते हैं सुजी। अब हम मान लीजिए कि यहां पे डी देते हैं कॉमा, तो टेक्स्ट को भी ए उठाएगा यहाँ पे सुजीत द 10। अब कुछ लोग जो वीवीए प्रोग्रामिंग या बाकी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो बोलेंगे सर हमने ए बी सी डी को डिफाइन तो किया ही नहीं, तो फिर कैसे आ रहा है। देखिए पैथन के अंदर में डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है, बस डिफाइन इंपोर्टेंट होता है। अब यहां पर डिफाइन होता है वो फंक्शन होता है, जी हाँ फॉर्मूला होता है। तो किस तरह का फॉर्मूला होता है, तो चलिए अब एक फॉर्मूला बनाकर बताते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा डी ई एफ, मतलब कि डिफाइन, और यहाँ पे फॉर्मूला का नाम,
हमारा के नाम में लिख दिया एस और हमने बोला ए कॉमा बी, और फिर यहां पे हमें सेमी कॉलन देना होगा, सेमी कॉलन। अब यहां एंटर मार के अपनी कैलकुलेशन क्या करना होगा, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हमने लिख दिया कि सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर यहां पे लिख दिया प्रिंट सी, ये हमने फॉर्मूला बोला। अब मुझे यहां पे एस, यहां पे एस और यहां पे 10.20 लिखना है। क्या लिखना है, 10.20, और फिर एस के अंदर जो ये चीजें हैं वो यहां पे रन हो जाएगी, रन होकर यहां पे 30 आ गया। तो यहां जो डिफाइन हुआ वो फॉर्मूला डिफाइन हुआ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर डेटा के टाइप नहीं होते हैं, इसके अंदर भी डेटा टाइप होते हैं, कई तरह के डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है इंटीजर, ओके। सबसे पहले क्या आता है, इंटीजर आता है। जय, अब इसको डिलीट करता हूं मैं, यहां पे बताता हूं कि इंटीजर में क्या होगा। कुछ लोग जो है ना कंपेयर करते हैं कि सी में क्या था, वीवीए में क्या था, और उसके अंदर बाकी चीजों पे क्या था। तो ये जरूरी नहीं है यहां पे ऐसा। क्या है कि वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड करती है कि वो किस तरह की कंपाइलर पे वर्क कर रहा है, और जो पैथन है वो पैथन हमारा लेटेस्ट कंपाइलर पे वर्क कर रहा है। तो यहां पे हम डिफाइन करना जरूरी नहीं, लेकिन हाँ डिफाइन नहीं करेंगे तो दिक्कत तो होती है। तो दिक्कत होती है तो उसके लिए हम कन्वर्ट करते हैं, इसके अंदर डिफाइन करने के बाद क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। चलिए बताता हूं आपको। आप लोगों के पास अगर कुछ सवाल हो तो आप लोग ही मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहां हम डिफाइन कैसे करते हैं उस पे हम जिक्र करते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब जैसे कि ऐसा नहीं कि मैं लिख दिया इंट ए और फिर यहां पे हमने एक कॉलम दे दिया, जैसे हम इसमें करते हैं, सी में करते हैं। बट यहां सी में नहीं, हमने इंट, हमने यहां पे अगर लिख दिया ए इक्वल टू 10 तो इसकी वैल्यू इंट है, इंट में ऑटोमेटिक आ गई। लेकिन सम टाइम हमें कन्वर्ट करना होता है, तो हम लिखते हैं ए इक्वल टू इंट और इंट के अंदर ए देते हैं, तो फिर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। तो यहां पे इंट का हमें फंक्शन देना पड़ता है, मतलब कि डिक्लेयर के साथ, बट यहां पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो कितने तरह के होता है, एक होता है इन फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, तीन जो है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। इंट जैसे कि इसमें किसी भी तरह का नॉन डेसिमल नंबर स्टोर होता है, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया बी इक्वल टू, मैं 25.63 लिख दिया, तो क्या हम यहाँ पे अगर करता हूं प्रिंट, और प्रिंट में हम बी लिखते हैं, प्रिंट में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। अब मैं इसको करता हूं यहां से रन, तो रन करने पे यहां पे देखिए यहां पे ऑटोमेटिकली आया 20.63। लेकिन हम इससे पहले बी इक्वल टू हम यहां लिखेंगे फ्लोट, और फ्लोट के अंदर हम बी डाल देंगे, तब क्या आएगा रिजल्ट, तब बी आपका वही आएगा क्योंकि ऑलरेडी फ्लोट है तो फ्लोट ही आएगा। लेकिन यहां पे एक चीज और भी है कि ये तो हमने यहां पे डिफॉल्ट दे दिया ना,
इसलिए मान लीजिए हम यहां पे करते हैं कि ए डिवाइड बाई थ्री, हमने क्या किया ए डिवाइड बाई थ्री, अब क्या रिजल्ट आएगा देखिए। अब यहां देखिए 3.333333333 करके एक बड़ा सा डेसिमल पॉइंट आया, एक बड़ा सा डेसिमल पॉइंट आया। अच्छा अब मान लीजिए कि हम फ्लोट वाला पार्ट ना लगाते तो डायरेक्ट जब डिवाइड होता तब क्या होता, तब भी आपका वही आता। तो आप अगर डिवाइड कर दे इसके ऊपर फ्लोट डेटा स्टोर होता है तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट ही आपको शो होगा, मतलब ये डिफाइन करने और ना करने में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका इंटीजर और फ्लोट हो गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या करता है कि ये नंबर का जो फॉर्म है ए प्लस बी बी जे या ए प्लस बी जे को स्टोर करता है। जैसे यहां पे हमने लिख दिया, यहां पे लिख दिया बी इक्वल टू और ए यहां पे है ना बी, चलिए अब यहां पे मैं लिखता हूं कि सी इक्वल टू -1 -5.5 j, तो एक तरह का ए भी डेटा है अगर मैं सी को स्टोर करूं। तो आप सोचेंगे कि टेक्स्ट है, जी नहीं ये टेक्स्ट नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि तो टेक्स्ट होता तो रिजल्ट के अंदर ब्रैकेट के अंदर नहीं आता। आप देख सकते हैं ब्रैकेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं यहां पे सी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप और यहां पे सी कर दिया तो अब देखेंगे यहां पे भी सेम आए। देखिए तो आप बोलते हैं कि सर डायरेक्ट जब ले रहा है तो फिर इसको हम कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं इंट में, फ्लोट में या कॉम्प्लेक्स में। तो ये क्या है कि आप नॉर्मली जब कैलकुलेशन करेंगे या नॉर्मली कुछ करेंगे तो डायरेक्ट ले लेगा, लेकिन आगे चल के जब हम यूज करेंगे इफ कंडीशन लूप तो उसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कन्वर्टिंग का। जैसे ए इक्वल टू 25.36 ले लिया, लेकिन मुझे पॉइंट में नहीं दिखाना है, मुझे इसको इंट में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे ए इक्वल टू एन और इन के अंदर ए डाल देंगे। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखेंगे कि पायथन जो है वो आपका क्या लिया हुआ है, सिर्फ 25। अब ऐसा नहीं है कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि राउंड कर देगा, जी नहीं ये राउंड नहीं करेगा। वो एक्सेल में होता है लॉन्ग दीजिए तो राउंड हो जाता है वीबीए में, बट यहां पे राउंड नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि ये मुझे राउंड करना है तो राउंड का फॉर्म लगा। उसी तरह से अगर मैंने ए इक्वल टू 15 कर दिया और फिर मैं ए इक्वल टू फ्लोट लगाया और फ्लोट के अंदर भी क्या डाला, ए डाला, तो अब क्या रिजल्ट आएगा 15.0। मतलब कि इसको फ्लोट डेसिमल में, फ्लोट क्या होता है पैथर में डेसिमल, तो डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अगर मैं यहां पे फ्लोट के जगह पे कॉम्प्लेक्स दूं और कॉम्प्लेक्स के अंदर ए लिख दूं तो फिर रन करते ही आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है उसमें इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। तो डेटा टाइप में हमने न्यूमेरिक डेटा की बात की, तीन तरह के न्यूमेरिक होता है इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर जनरल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सॉरी फ्लोट होता है डेसिमल और कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी जे। अब बात करते हैं बुलियन डेटा टाइप, बुल डेटा टाइप या बुलियन डेटा टाइप भी कहा जाता है। बुलियन डेटा टाइप जनरली क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स।
ट्रू एंड फॉल्स होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 15 ना करके हमने लिख दिया कि 15 इक्वल टू 15, तो ए जनरल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि तो जब भी हम लॉजिक लगाते हैं तो क्या होता है, डबल इक्वल होता है। अब देखेंगे तो रिजल्ट यहाँ ट्रू आया क्योंकि ट्रू था। अगर मैं बोलता हूं कि 15 इज ग्रेटर देन 20 तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स। ठीक है, तो ये जो ट्रू फॉल्स का जो डेटा होता है वो स्टोर करता है बुलियन। जी हाँ, बुलियन डेटा ट्रू फॉल्स को स्टोर करता है। तो ये जो आगे चलते जो आप एक्सेल के अंदर जो इफ का फॉर्मूला है वो इफ का फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं, यूज करते हैं। अब बात करते हैं सीक्वेंस इन पाइथन में। जी हाँ, डेटा टाइप के अंदर सीक्वेंस इन पाइथन की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है स्ट्रिंग, इसको हम एसटीआर कहते हैं। क्या कहते हैं, एसटीआर, स्ट्रिंग। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर मैंने यहां पे लिखा ए इक्वल टू 10 और फिर हमने यहां पे लिखा बी इक्वल टू एसटीआर और यहां पे हमने लिख दिया 10। अब यहां हम अगर बुलेन लगाते हैं, करते हैं यहां पे कि c इक्वल टू a डबल इक्वल b, तो रिजल्ट क्या है। चलिए अब एक बार रिजल्ट को चेक करते हैं। रिजल्ट सॉरी, आप a आगे यहां पे c देना चाहिए था हमें c। अब इसको रन करते हैं, जब इसको यहां से हम रन करेंगे तो फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, 10 और 10 बराबर है लेकिन यहां जो 10 है, ये जो 10 है ये नंबर है और ये जो 10 है वो क्या है, एसटीआर लग गया तो क्या हो गया, टेक्स्ट लग गया। तो आगे चल के जैसे एक बड़े टेक्स्ट से अगर हम कोई पर्टिकुलर पार्ट को अलग करेंगे फिर उसको मैच करेंगे तो टेक्स्ट जब नंबर अलग होगा तो टेक्स्ट रहेगा और नंबर टेक्स्ट मैच नहीं करेगा। तो ये आपका एसटीआर जो होता है स्ट्रिंग होता है और एसटीआर के ऊपर हम किसी भी तरह का नंबर स्टोर करते हैं। अब टेक्स्ट स्टोर करने की बात आई तो चलिए बात करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा एस इक्वल टू इन द इनवर्टेड कॉमा मेरे बेटे का नाम देव कुमार सिंह सिंह। अब मैं यहां पे अगर मैं प्रिंट के अंदर गया और सिर्फ एस को प्रिंट कर दिया तो क्या होगा कि पूरा का पूरा देव कुमार सिंह प्रेजेंट होगा, देव कुमार सिंह यहां प्रेजेंट होगा पूरा नाम। लेकिन अब मैं देव को प्रेजेंट करते समय एस और ब्रैकेट में मैंने जीरो लिख दिया, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, बड़ी ब्रैकेट में जीरो, तो अब जो प्रिंट होगा वो सिर्फ डी प्रिंट होगा। मैंने कि ये जीरो से सीक्वेंस नंबर को करेक्टर को काउंट किया, अगर मैं यहां पे वन किया तो देखेंगे ई प्रिंट होगा, अगर मैंने टू किया तो प्रिंट होगा वी। तो इस तरह से सीक्वेंस को होता है, अगर एक आपने अगर हर वर्ड को अलग अलग करना चाहा तो इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं, हर लेटर को एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार यहाँ पे हमें दिखाना होता है कि मुझे तीसरा चौथे से आठ तक मुझे शो करना है, तो यहां पे मैंने 4:8 कर दिया तो क्या होगा, ये आपका चौथे करेक्टर से आठवें करेक्टर क्यू एम ए आ गए, चौथे छोड़िए हम यहां पे पांचवा कर देते हैं, पांचवें करेक्टर से आठवें करेक्टर तक शो करें, तो देखिए पांचवें से आठवां शो हो रहा है। अच्छा मैं यहां पे चौथा से नौवां करेक्टर लिखता हूं तो पूरा का पूरा कुमार आ गया, पूरा कुमार आ गया। अब मान लीजिए मुझे तीन करेक्टर के बाद शो करवाना है तो यहां हम सिंपल सा, या चार करेक्टर के बाद शो करवाना है तो ये जो 9 दिए है वो 9 नहीं देंगे, हम सिर्फ लिख देंगे 4:, जब इसको रन करेंगे तो देखिए कुमार सिंह आ गया। अब इसमें भी अगर मैंने यहां पे किया माइनस, हमने क्या किए माइनस,
और माइनस में हमने मान लीजिए यहां पे वन दे दिया, तो माइनस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। माइनस में एच आया तो माइनस कर दीजिए, तो ये लास्ट मतलब प्लस में नंबर दीजिएगा तो यहां से आगे की तरफ करेक्टर रीड करेगा, और माइनस में दीजिएगा तो यहां से करेक्टर को रीड करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ, जैसे मैंने, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग में चाहे एक्सेल में अगर आप किसी करेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं वो तो शो नहीं होता है, क्या पाइथन में शो होगा? तो हमने एस मल्टीप्लाई बाई टू किया तो देखिए देव कुमार सिंह को दो बार टाइप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई फाइव कर देता हूं तो ये क्या करेगा, पांच बार शो कर देगा, देव कुमार सिंह, देव कुमार सिंह, देव देव कुमार कुमार सिंह, सिंह दीपक पांच बार शो कर देगा। इस तरह से हम टेक्स्ट के ऊपर मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग हुआ, स्ट्रिंग के बाद हम बाइट की बात करते हैं। बाइट, बाइट डेटा क्या होता है, जैसे हमें एरे के फॉर्मेट में लिखना है एलिमेंट्स को, तो हमें ई इक्वल टू इन द स्क्वायर ब्रैकेट 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे ई इक्वल टू बाइट बाइट्स और यहाँ पे ई कर दिए। अब यहाँ पे हम देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हमने ई ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए ए आया। तो अब इसको प्रिंट कैसे करें, तो प्रिंट करते समय हम यहां पे अगर वन कर दें तो क्या होगा, तो 21, मतलब हमने जब बाइट कर दिया तो ऐसे हम पूरा को प्रिंट नहीं कर सकते, हमें यहां पे देना पड़ेगा कौन सा नंबर पोजीशन को, मैं दूसरे को करना है तो टू कीजिएगा तब 20 है, ये आएगा 30 आएगा। अब बोलेगा सर टू कर रहा हूं तो तीसरा नंबर क्यों दिखा रहा है, दूसरा दिखाना चाहिए था। बेसिकली बाइट या एरे कि जो काउंटिंग होती है वो जीरो से होती है, तो यहां पे करेगा जीरो हो गया 10, वन हो गया 20 और टू हो गया 40। तो इस तरह से पाइथन के अंदर हम बाइट को टाइप करते हैं। तो हमने बाइट डेटा टाइप की बात की, अब बात करते हैं टुपल। जी हाँ, टुपल डेटा टाइप, तो बाइट में अगर मान लीजिए मैं यहां कॉमा करके इन्वर्टर कॉमा में अगर पूजा दे दिए, नाम दे दिए, तो तब क्या होगा, अगर रन करते तो देखिए एरर आ गया, क्योंकि बाइट जो है सिर्फ नंबर को स्टोर करता है, किसी तरह के टेक्स्ट को स्टोर नहीं करता। तो बाइट के जगह पे अगर मैं टूपल का लगाऊं, फलना टपल या टूपल जो भी बोलिए, तो अब जो है यहाँ पे रिजल्ट 30 आ गया। तो बाइट जो है एरे फॉर्मेट में सिर्फ नंबर स्टोर करता है, लेकिन टूपल जो है नंबर टेक्स्ट एंड डेसिमल दोनों स्टोर करता है। हाँ, बाइट डेसिमल भी स्टोर नहीं करता है, ना ही माइनस स्टोर करता है, बट टूपल जो है वो डेसिमल टेक्स्ट और सतीसा से वेरिएंट की तरह हो गया, वेरिएंट यूज करते हैं। बात करते हैं रेंज, रेंज में क्या होगा कि हम रेंज के अंदर एक डेटा सेट स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, रेंज, जैसे मैं लिखा रेंज, और रेंज के अंदर हम कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम लिखना चाहे वो, नहीं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये 30, 60, 30, 40, 70, 90, 100,
इस तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट दूंगा और प्रिंट में अगर मैंने दिया यहाँ पे टू तो 60 को आई थिंक शो करेगा। टू कौन सा टू? तो हमने लिखा रेंज, और रेंज में हमने दिया टू। और यहां पे आर देना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, रेंज सिर्फ नहीं हुआ, आर इक्वल टू रेंज, और यहां पे आर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। रेंज तो फंक्शन हो गया ना, तो हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हमने यहां पे एक वेरिएबल दे दिए और यहां हम इसको करते हैं रन। एक मिनट, रेंज स्पेट एटमोस्ट थ्री आर्गुमेंट गॉट सेवन। ओ, रेंज के अंदर थ्री होता है। रेंज जो है तीन आर्गुमेंट को लेता है। वन करते हैं, प्रिंट आर, रेंज हमने दे दिया, यहां पे आर इक्वल टू कर दिया, फिर यहां पे लगाते हैं कि फोर आई इन आर, और फिर यहां पे देते हैं प्रिंट, प्रिंट में आई। अब रन करते हैं हम। फिफ्टी कॉमा थर्टी बोलते हैं, रेंज कलेक्टेबल नहीं है। रेंज से लग रहा कोई मुझे यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। एक मिनट, रेंज, ओके, स्टार्ट स्टॉप और इंडेक्स, रेंज ऐसे होता है। तो 10 से चले यहाँ पे 40 था और हमने यहाँ पे 2 दे दिए। ओके, मैं गलत तरीके से डाल रहा था। अब देखिए यहाँ पे तो 10 से 40 तक यहाँ पे दिखा, लेकिन क्या है, दो दो का गैप, क्या दिख रहा है, दो दो का गैप, 10 12 14। तो रेंज मतलब हुआ कि एक स्टार्ट से एक गिनती की तरह, ठीक है ना, एक गिनती की तरह स्टोर करता है रेंज। 10 से 40 कर दिया और 2 का मल्टीप्लेक्स कर दिया तो क्या आएगा, वो दो दो का गैप आएगा। 3 कर दूंगा तो 3 का गैप आएगा, 4 कर दूंगा तो 4 4 का गैप होगा। तो ये हमारा रेंज का यूज होता है। अब बात करते हैं सेट। सेट क्या करता है? तो सेट भी डेटा को स्टोर करता है, लेकिन एक सेट फॉर्मेट में। जैसे हमने लिखा यहां पे कि एस इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हमने लिखा 10, 20, 30, 40, 50, और कर्ली ब्रैकेट एक मिनट, यहाँ पे डॉट लग गया, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, और यहां भी लग रहा है डॉट लग गया, यहां भी कॉमा होना चाहिए। तो हमने सेट यूज कर। अब मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर एस करता हूं तो क्या आएगा, एक बार देखते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा सेट आया, पूरा का पूरा सेट आया, हमने एस किया। तो एस के ऊपर कोई भी सेट यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मेरे पास ऑलरेडी एक सेट है, लेकिन एरे फॉर्मेट में, जैसे कि एल एल के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ नंबर्स डाले हुए हैं, तो यहां पे 16। अब यहां पे अगर मैं करता हूं प्रिंट, प्रिंट के अंदर, तो यहां प्रिंट, यहां पे इक्वल, यहां पे
एस इक्वल हमने दिया सेट और सेट के अंदर कर दिया एल। अब यहां पे मैं करता हूं प्रिंट एक एस, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इस कैपिटल हो गया, स्मॉल करना था ना। यहाँ पे पाइथन में बड़े छोटे का फर्क होता है। ये देखिए 70, 40, 60, 80, 50 और 30, क्योंकि हमने सेट का यूज किया था, तो इस तरह से सेट का यूज भी आप कर सकते हैं। और सेट के अंदर में हम जरूरी नहीं है कि ये यूज करें, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा सेट का। मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा डी इक्वल टू देव, बेटे का नाम देव कुमार सिंह, ओके। और मैं यहाँ पे कर दिया एस इक्वल टू सेट डी, सेट डी, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा और प्रिंट के अंदर एस डालूंगा तो क्या है, देखिए पूरे के पूरे नाम को इसने क्या हुआ कर दिया। बट इसमें एक दिक्कत है कि इसने उल्टा कर दिया, पहले यहाँ पे वी एम ए आर डी एस, मतलब इसका कोई सीक्वेंस इसने नहीं रखा है। हाँ, क्योंकि कैपिटल एस मोर था, तो एक काम करता हूं कि यहां पे भी हम कैपिटल एस मोर रखते हैं तो क्या करेगा। फिर यहां पे देखिए इसने भी लेकिन लिखा तो, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं रखा। क्यों नहीं सीक्वेंस रखा? क्योंकि जब आप, हमने जब सेट किया सेट इक्वल टू डी, एस इक्वल टू सेट इक्वल टू डी किया, तो क्या हुआ कि इसने इसको सेट के अंदर कन्वर्ट किया, लेकिन कन्वर्ट में इसने लेट प्राथमिकता नहीं दी है, इसने इसके स्काई वैल्यू को प्राथमिकता दी है। तो इस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। हाँ, और हम सेट से रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि एस अगर सेट हो गया, मान लीजिए मुझे इसमें से डी को रिमूव करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एस डॉट रिमूव, रिमूव और रिमूव में ब्रैकेट में हमने बोल लिख दिया कि मुझे डी को रिमूव करना है। तो अब मैं प्रिंट करके डी, मतलब डी के मतलब मुझे यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा में डी लिखना पड़ेगा ना, टेक्स है ना। तो यहां देखिए अब इसके अंदर में डी नहीं है, तो सेट से कोई पर्टिकुलर नंबर को भी कर सकता है। हालांकि सेट का यूज ज्यादा नंबर्स के लिए होता है, ना कि करेक्टर्स के लिए होता है। करेक्टर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम सेट के साथ हमारे साथ हुआ होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आपके चीजों पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।